Assalamualaikum and welcome to the another vlog of Paki Vlog. मैं हूँ आपका दोस्त असद अशफाक और आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर इस पर लाइक का बटन क्लिक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप घर बैठे जो है अपनी चीज़ों पर प्रिंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप खुद से घर बैठे कोई भी चीज़ पर मैं आपको आज मैं कुछ एक चीज़ पर प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको। मैं दूसरी वीडियोज आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको दूसरी चीज़ों पर प्रिंट करना सिखाऊंगा, जैसे टी शर्ट हो गया, मग हो गया, टीकोस्टर हो गया, किचन हो गया और दूसरी चीज़ें। तो ये सब करने के लिए मैं आपको बता दूँगा कि क्या क्या आपको चाहिए होगा और आप किस तरह से घर पर प्रिंट कर सकते हैं। अपनी पिक्चर, अपना लोगो या कुछ भी जो आपको प्रिंट करना हो तो आप आसानी से घर बैठे वो चीज़ प्रिंट कर सकते हैं और घर के अंदर वो चीज़ सारी आपको ऑलमोस्ट दस्तियाब होंगी। तो डोंट वरी अबाउट इट कि आपको कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं कि किस तरह से हम प्रिंट करते हैं। तो चलिए स्टार्टअप। जो प्रिंट करने के लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो चीज़ें हैं आपका एक सिज़र हो गया, एक टेप हो गया और आज आप टीकोस्टर पे प्रिंट करेंगे तो एक टीकोस्टर हो गया और प्रिंटआउट हो गया, जो चीज़ आपको प्रिंट करनी है ठीक है तो वो चीज़ होगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ इस्त्री होगी, आयरन होगी ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। आप इसको बिल्कुल संभाल के जो भी आप प्रिंट रखें ताकि आपकी जो भी डस्ट वगैरह है वो प्रिंट के ऊपर ना लग जाए। और आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप जो भी चीज़ प्रिंट कर रहे हैं वो चीज़ जो है आपकी मिरर्ड इमेज हो ठीक है। और उस रीज़न के मिरर्ड इमेज हो मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहले आप इसको कट कर लें, जो चीज़ को आपको प्रिंट करना है उसकी आप साइजिंग करें पहले। साइजिंग करने के बाद उस चीज़ को आप एक प्रॉपर साइज़ में इस इमेज को कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करना जानते हो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उस एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसके थ्रू आप उस साइज़ में उसको उस इमेज को बिठाएंगे ठीक है। उस साइज़ को इमेज करेंगे, उस साइज़ की इमेज करेंगे। उसके बाद यू हैव टू डू इज़ कि आप उसको कट आउट कर दें ठीक है। ये हमने कट आउट कर दिया टीकोस्टर के साइज़ जितना, आप देख सकते हैं टीकोस्टर के साइज़ जितना हमने इसको कट आउट कर दिया। रेस्ट ऑफ दी पेपर जो है हम इसे वापस अंदर रख रहे हैं। तो हम पहले ये करेंगे कि इस पेपर को जो है हम इसके ऊपर स्टिक कर देंगे, मतलब लगा देंगे ठीक है। तो अटैच लगाना है, स्टिक करना है ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा टीकोस्टर, ऑब्वियसली प्रिंट आउट और टेप ठीक है। तो हमने बिल्कुल आपको ध्यान से करना है ताकि आउट ना हो और मिस प्रिंट ना हो। आपने इसको सेट में बिठा दिया ठीक है, उसकी जगह पे आपने टेप लिया एंड देन आपने उस पर टेप कर दिया, एक और टेप लिया आपने उस पर टेप कर दिया। और ये बड़ों की मदद से करें, ऐसे ना करें आपका हाथ भी इस पर जल सकता है। और उसके बाद आपने फिर से टेप लिया एक और इस पर लगा दिया और एक और टेप लिया आपने। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कटिंग जो है वो थोड़ी सी जो है आप कह सकते हैं मिस कट हुआ हुआ है ठीक है, सही कटिंग नहीं हुई भी अदरवाइज़ जैसे यहाँ इस साइड प्रॉपर पेपर फोल्ड हुआ हुआ है इसी साइड भी वैसे ही पेपर फोल्ड होना चाहिए। खैर कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, नॉट अ बिग इशू ठीक है। अब हमने ये पेपर को जो है एक जगह पे मतलब टीकोस्टर के साथ लगा लिया। आप देख सकते हैं कि टीकोस्टर जो है ये टीकोस्टर है और इस पर ये पेपर जो प्रिंट आउट लगा हुआ है जो हमें प्रिंट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम अपनी जो आयरन है उसको हम गर्म होने देंगे ठीक है। उसकी टेम्परेचर जो है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और उतना ज़्यादा जो है वो जल्दी प्रिंट होगा इस टीकोस्टर के ऊपर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम आयरन को जो है अपने टीकोस्टर के ऊपर प्रिंट करने के लिए यूज़ करेंगे और आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से हम उस पर प्रिंट करेंगे। बस एज हार्डली एज यू कैन ठीक है, ताकि वो उतना अच्छा प्रिंट आएगा, उतना आपको अच्छे बेहतरीन प्रिंट होगा। और इट प्रिंट जो है वो डिपेंड भी करता है कि आपका जो प्रिंट आउट निकला हुआ है वो कितना अच्छा निकला हुआ है।
तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट फिनिशिंग टच पे है इसको है और ये प्रिंट हो चुका है। तो अब हम इसको हम ओपन करते हैं इसका टेप और देखते हैं और बहुत ही ध्यान से इसका आप टेप ओपन कीजिएगा क्योंकि ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हुआ हुआ है, ठीक है। तो बड़ों की मदद इस पर आप ज़रूर लीजिएगा या सेफ ग्लव्स, हैंड ग्लव्स जो आप हॉट ग्लव्स होते हैं उसको आप यूज़ कीजिएगा। तो उस पर जो है मतलब आप आराम से आपके मतलब आपका हाथ नहीं जलेगा और आप सेफली जो है इसको रिमूव कर सकते हैं पेपर को। तो अब हम पेपर रिमूव करते हैं और देखते हैं कि किस आप देख सकते हैं कि कितना गर्म है ये। और मैंने ये जो और ये जो टेप यूज़ हुआ हुआ ये हीट टेप है, नॉर्मल स्कॉच टेप भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास हीट टेप दस्तियाब था, पड़ा मतलब अवेलेबल था, तो मैंने हीट टेप यूज़ किया है। तो अब हम देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा आया है। टन टन यू कैन सी कि आपके सामने मैंने बिल्कुल प्रिंट किया है ये। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और मज़ीद वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब द चैनल पाकी वीलॉग और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।